माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी सारी सूचनाएं भेजी हुई है। काम तो प्रशासनिक स्तर पर ही होगा, मतलब हमारे स्तर पे जितना प्रयास है हम कर रहे हैं जी। आश्वासन जरूर मिलता है भी हो जाएगा जी, नहीं लेकिन हुआ नहीं अभी कोई काम। नहीं नहीं आसपास तो नहीं जाने देते, ऐसी बात तो नहीं है, वो इस तरह की तो कोई बात नहीं है। बाकी खतरा तो होता ही है, कोई बाहर जाएगा तो बिल्डिंग के बाद जाएगा तो खतरा तो होता ही है जी। पक्का सराहना गांव के नागरिकों और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा के इस मंदिर को ओछी राजनीति के कारण दो वर्षों से दयनीय हालत में छोड़ा हुआ है। गांव का सरपंच गैर सत्ताधारी होने के कारण ना तो गांव के विकास का बजट दिया जा रहा है और ना ही स्कूल की खस्ता हाल इमारत की तरफ ध्यान देने की किसी ने जरूरत समझी है। सरकारी स्कूलों की उक्त इमारत के कारण गांववासी अपने बच्चों को अन्य स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे इसके लिए मजबूर भी हैं। खस्ता हाल स्कूलों की इमारत के कारण स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अब न के बराबर है। स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग है और बुरी तरह से जर्जर हालत के अंदर है और वहाँ हम हमारे बच्चे भेजने के लिए कतराते हैं, कभी भी गिर सकती है, इसके लिए हमें पैसे मिल नहीं रहे हैं और हम बहुत दुखी हैं। काफी बार प्रयास किया है, एमपी साहब से भी मैंने निवेदन किया था, दो तीन बार जाकर उनसे मिला था, उन्होंने पहले तो हाँ की थी, पर बाद में पता नहीं कोई पॉलिटिकल वजह से उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम आपको पैसे नहीं दे सकते। एमएलए साहब को भी मैंने लिखा था, आजकल मंत्री बने हुए हैं वो, फिर भी उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। और ग्राम पंचायत का जो पैसा है वो हम इस पर स्कूल में लगा नहीं सकते, हम सिर्फ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पाठशाला में लगा सकते हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब से भी मिलकर निवेदन किया था, अभी आप हमें आदेश दे दीजिए, जो का हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 40 लाख रुपए पड़े हैं तो हम इसको लगाकर इसको स्कूल की सुधार कर सकें, पर कलेक्टर साहब ने मना कर दिया, भी आप इसका जो पैसा है यूटीएफ का वो पैसा आप नहीं लगा सकते। ये पॉलिटिकल मामला है, क्योंकि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ और एमपी और एमएलए जो दोनों हैं वो कांग्रेस के हैं, इसकी वजह से वो नहीं चाहते कि इस काम का कोई विकास हो। थी बार बार लिखा, कहा भी 60-70 साल हो गए बिल्डिंग को बनी, बहुत नीचे चली गई है और सरकार एमएलए एमपी कोई पैसा नहीं दे रहा, ये सब पार्टीबाजी की वजह से गांव का विनाश हो रहा है जी, बच्चे बाहर धूप में बैठे हैं जी। बहरहाल जो भी हो, देखना है कि शिक्षा विभाग बच्चों के लिए इमारत की व्यवस्था कर पाता है या नहीं, या फिर बच्चों को अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखनी होगी। सरकार शिक्षा के प्रति जो भी चाहे दावे करे लेकिन सभी विफल हैं। एचबीसी न्यूज के लिए हनुमानगढ़ से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में बालिका शिक्षा की नींव कमजोर हो गई है। शिक्षा में सुविधाओं का अभाव बालिकाओं को आगे पढ़ने से रोक रहा है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना बालिकाओं के लिए मजबूरी हो गया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन मुख्यमंत्री की गृहनगर में बेटियां कह रही हैं बिन बस कैया जाऊं स्कूल। ये है जोधपुर के पास आंगणवा गांव, जहां गांव की 20 बेटियां 10वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा पा रही हैं। इस गांव की 20 बेटियों ने 10वीं कक्षा में लगभग 64% से अधिक नंबर लाकर इस गांव का नाम रोशन किया है, लेकिन गांव में सिर्फ 10वीं कक्षा तक स्कूल होने के चलते अब ये बेटियां स्कूल जाने से महरूम हैं। गांव से 2 किलोमीटर दूर 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां इन बेटियों का पैदल जाना संभव नहीं है और ना ही परिवार के लोग इन बेटियों को स्कूल भेज रहे हैं। गांव की बेटियां कह रही हैं कि गांव से सिटी बस की व्यवस्था नहीं होने के कारण अब वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। और मैंने 10th क्लास
में के पास से आराधी होने से हम आगे के लिए उसी में जा पा रहे हैं। हमारी ये समस्या है, हमारे पास कितनी जाने उसके आगे अगले नहीं कर पा रहे हैं। जिले में एक तो सिटी बस की सुविधा और दूसरी 12वीं कक्षा तक का विद्यालय नहीं होने के कारण गांव की 20 बालिकाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। गांव में प्रत्येक घर से बेटियां आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन गांव में सिटी बस की मंजूरी के बावजूद बस नहीं आने के कारण इन बेटियों का भविष्य खतरे में पड़ता दिख रहा है। पास ही के गाँव में 12वीं कक्षा तक के अध्यापक राजा राम इस गाँव में खूब समझाइश के प्रयास कर रहे हैं कि इन बेटियों को पास के गांव में स्कूल में दाखिला दिलवा दो, लेकिन गांव के लोग अपनी बेटियों को पैदल स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। हमारे यूनियन राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक श्री नरेश लाल ने पूरे राजस्थान भर में बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए घर घर जनसंपर्क करके बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स को और उन अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं, जिसके तहत आंगनवा और सोखा गाँव में भी हमने काफ़ी बच्चों से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले और उन्होंने ये संख्या बताई कि सिटी बस की व्यवस्था नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है और सुनसान स्थान होने के कारण हम बाहर से संबोधित स्कूल जो पास में ही राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ स्कूल नहीं जा सकते हैं। हमने इनको प्रेरित किया, सिटी बस की व्यवस्था करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए टेम्पो की व्यवस्था भी कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा सकें। समस्या ये है कि सिटी बस की व्यवस्था इनके नहीं है और सुनसान जगह स्थान होने के कारण ये बच्चे अकेले स्कूल नहीं जा सकते हैं। हाईवे होने के कारण ये बच्चे साइकिलों से भी स्कूल जाने के लिए असमर्थ हैं। दसवीं पास के बाद भी ज़्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ देती हैं, जबकि पेरेंट्स इनके आगे पढ़ाना चाहते हैं। कई बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई हैं और वो भी आगे पढ़ना चाहती हैं, इसलिए उनकी लाइफ तो खराब हो ही रही है। यदि वो बच्चे पढ़े तो आगे हो सकता है कि उनको नौकरी भी लग जाए और अधिकतर ऐसी एस टी के बच्चे हैं, किसान वर्ग के बच्चे हैं जिनको आरक्षण भी है और आराम से उनकी नौकरी लग सकती है, लेकिन ये बच्चे आवागमन के साथ उनके अभाव के कारण बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, ये अक्सर जुमला राज्य सरकार के विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि सरकार शिक्षा के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन आंगनवा गांव के हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार को इन बेटियों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए ताकि गाँव की ये बेटियाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज बात की जा रही है बालिका शिक्षा की, तो कहीं टीचर्स का अभाव है, कहीं स्कूल की हालत में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो अभी बात करें हम जोधपुर की, जहां बस की सुविधा नहीं है जिसकी वजह से छात्राएं स्कूल नहीं जा पा रही है। इस मसले के लिए बात करते हैं जोधपुर से संवाददाता ललित परिहार से। जी ललित, आज बात की जा रही है बालिका शिक्षा की, जहाँ बस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जोधपुर में, तो इस पूरे मसले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, इस गांव में जब बस उपलब्ध नहीं है तो एक शिक्षा के बाद में, प्राइमरी शिक्षा के बाद में बालिकाओं को आगे की पढ़ने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है और ये बालिकाएं पढ़ना चाहती हैं। और खास बात यह है कि ऐसे समय में जब संभाग मुख्यालय से, जोधपुर को महानगर भी घोषित कर दिया गया है, संभाग मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर ये स्थिति है कि अभी उसको बस से नहीं जोड़ा जा सका है। और खास बात यह है कि इसका फर्क शिक्षा पे पड़ रहा है, बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह रही हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। जी शुक्रिया ललित जानकारी देने के लिए। और तो ये थे जोधपुर से संवाददाता ललित परिहार। एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।